एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो ये जो प्रश्न पत्र है वो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का है, ये बिहार का है और ये मॉडल सेट है, ये एनुअल है और ये म्यूजिक का है। ठीक है, तो इसमें बीपीएससी में जो प्रश्न आएंगे वो इसी लेवल के होंगे। ठीक है, बीपीएससी के लिए, टीचर के लिए जो रिक्वायरमेंट आई है वो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यही उद्देश्य आपको बताना, किस लेवल से प्रश्न पूछे जाएंगे। 12th के लेवल से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 10th 12th के लेवल से पूछे जाएंगे, या तो बीए के थोड़ा सा, बीए थोड़ा सा जा सकता है, लेकिन 12th के ही लेवल से ज्यादा चांस है पूछे जाने का। मैंने आपको नियमावली में पढ़ के अच्छे से आपको मैंने बताया था, और भी आप यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, वहां पे जाके विजिट करके आप देख सकते हो, उन्होंने भी यही बताया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसी तरह का प्रश्न पत्र आपका आएगा, ये इंटरमीडिएट का है। तो सीधे हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। ये सब ओएमआर कैसे भरा जाता है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। तो सीधे हम प्रश्नों की ओर आपको लेके चलते हैं। ये देखिए, पहला प्रश्न है जो आपका, रागों की कितनी मुख्य जातियां होती हैं। रागों की जातियों के बारे में बताया है, मैंने इसका थ्योरी भी करवा रखा है। प्लेलिस्ट में जाके आप, म्यूजिक थ्योरी के नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, वहां पे जाके आप थ्योरी चैनल को अटेंड जरूर करिए, वहीं से प्रश्न आएंगे सारे। ठीक है, और एक प्लेलिस्ट और होगा यूपी टीजीटी पीजीटी के नाम से, वहां के भी सारे प्रश्न करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीजीटी के लेवल के हैं वो, बिहार बीपीएससी के लेवल का है वो। ठीक है, चलिए, तो इसका जो सही आंसर होगा, आपको अच्छे से पता है कि रागो कि कितनी मुख्य जातियां हैं, तो तीन जातियां हैं रागों की मुख्य जातियां, तीन, औड़व साड़व संपूर्ण। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दो, सूल ताल किस गायन शैली के साथ बजाया जाता है, ठुमरी, खयाल, टप्पा, ध्रुपद। अगर आप थ्योरी क्लास कर लोगे और जो मैंने क्वेश्चन पेपर करवाया है यूपी टीजीटी पीजीटी का वो कर लोगे, तो आपकी एग्जाम की 70% तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और बाकी मैं सारी चीजें आपको एक लेवल से करवाऊंगा, वो मैंने आपको बता रखा है। अभी मैंने आपको एक लेवल के तौर पे आपको बताने के लिए मैंने चीजें बताई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सुलताल किस गायन शैली के साथ बजाया जाता है, तो ध्रुपद। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन, राग भैरवी का वादी स्वर क्या है, सा, ग, म या प। भैरवी का वादी स्वर कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा म। ठीक है, राग भैरवी का वादी स्वर म होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चार पे, राग काफी का ठाट क्या है, कल्याण, भैरव, भोपाली या काफी। ये सारा मैंने करवा रखा है थ्योरी में, थ्योरी में जाके देखोगे आपको अपने आप से सारा क्वेश्चन आ जाएगा। तो काफी होगा, क्योंकि काफी एक राग भी है और एक ठाट भी है। ठीक है, ऐसे रागों को आश्रय भी कहते हैं, आश्रय राग भी कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर पांच की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर पांच, कौन रात्रिकालीन राग नहीं है, भैरव, काफी, बिहाग या यमन। इसका सही आंसर होगा भैरव। भैरव जो है वो मॉर्निंग का राग है, प्रातः काल में ही गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर छह, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखा देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कौन सा राग बिलावल ठाट का है, बिहाग, भोपाली, खमाज या जौनपुरी।
बिहाग जो है वो किसका है, बिलावल ठाट का माना जाता है। ओके क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा प्रातकालीन राग नहीं है, भैरव, भैरवी, यमन या अलहिया बिलावल। प्रातकालीन राग नहीं है, कौन सा है इसमें से, तो यमन, यमन है, ये सायंकाल राग है, रात्रि के द्वितीय प्रहर में ये प्रथम प्रहर में गाया बजाया जाता है, प्रथम या द्वितीय प्रहर में गाया बजाया जाता है, रात्रि के प्रथम प्रहर में ये गाया जाता है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर ये आ गया 8 आपके सामने, कौन सा राग औड़व जाति का है, यमन, भोपाली, काफी या आसावरी। औड़व जाति का कौन सा इनमें से, सही आंसर है इसका भोपाली। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राग में मध्यम तीव्र है, मालकोश, खमाज, यमन या काफी। इसी लेवल के सारे सारे प्रश्न पूछे जाएंगे और राग से काफी प्रश्न आएंगे, ठीक है, ग्रंथ से भी आएंगे लेकिन राग से भी आएंगे, ठीक है। बाकी बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक से किस किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, वो सब भी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। किस राग में मध्यम तीव्र का प्रयोग किया जाता है, तो यमन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, किस राग में गंधार और निषाद कोमल है, काफी, खमाज, बिहाग या केदार। देख लो सारे सारे क्वेश्चन राग से ही पूछे जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा काफी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं, किस राग को ऋतु राग कहा जाता है, बहार, खमास, देश या जौनपुरी। सही आंसर है बहार। क्वेश्चन नंबर 12 है, दादरा ताल की ताली किस मात्रा पर है, 1, 2, 3 या 6। धाधी ना धातु ना, मतलब कि पहली मात्रा पे है। ओके okay? क्वेश्चन नंबर 13, बिलावल ठाट में मत की तीव्र करने पर कौन सा ठाट बनेगा, मतलब बिलावल ठाट जो है उसमें अगर हम मत तीव्र कर देंगे तो कौन सा ठाट में वो परिवर्तित हो जाएगा। मतलब कि बिलावल में तो सारे सारे स्वर लगते हैं, शुद्ध सारे गामा पधनी ठाट में है ना, तो उसमें अगर म तीव्र कर देंगे तो वो आपका बन जाएगा कल्याण में बन जाएगा, ठीक है, कल्याण बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं, किस राग में गंधार, धैवत और निषाद कोमल है, जौनपुरी, काफी, भीमप्लासी और खमाज। तो जौनपुरी होगा, जौनपुरी में ग, ध, अ, नी, ये तीनों स्वर क्या लगते हैं, कोमल लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
गीत के दूसरे भाव को क्या कहते हैं? स्थाई, अंतरा, संचारी या आभूल? तो अंतरा कहेंगे, गीत के दूसरे भाग को अंतरा कहते हैं। ये भी मैंने लास्ट क्लास में ही बताया आपको थ्योरी में। क्वेश्चन नंबर 16, रात काफी का गायन समय क्या है? प्रात काल, दोपहर, रात्रि का द्वितीय प्रहर या मध्य रात्रि? सही आंसर होगा मध्य रात्रि। राग काफी का गायन समय है, मध्य रात्रि को गाया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। रागों यमन का ठाट क्या है? कल्याण, भैरव, तोड़ी या खमाज? यमन का ठाट बताना है आपको, तो यमन का है कल्याण। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? 3, 4, 6 या 7? देखिए, एक सप्तक की यहाँ पे बात की गई है, तो ये तो मुझे प्रश्न ही गलत लग रहा है, क्योंकि देखिए एक सप्तक होता है ना, एक सप्तक के अंदर 12 सुर होते हैं, ठीक है, 7 शुद्ध होते हैं, 5 विकृत होते हैं, टोटल मिला के 12 हो जाते हैं एक सप्तक में। तो मेरे हिसाब से तो वैसे होना चाहिए था, लेकिन इसमें 12 ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए 7 हम आंसर सही करेंगे। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं, तो 7 इसमें सही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, संगीत में कितने शुद्ध स्वर होते हैं? 2, 3, 5 या 7? संगीत में वैसे सारे ही स्वर शुद्ध माने जाते हैं, इसलिए 7 के 7, ठीक है। और इन 7 में से जो ग, सॉरी रे, ग, ध और नी, ये 4 कोमल होते हैं और म तीव्र भी होता है, ठीक है, ये 5 मिला के 12 स्वर हो जाते हैं। इसका आंसर 7 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, राग यमन का संवादी स्वर कौन सा है? सा, ग, नी या ध? तो यमन का ग जो है वो वादी है, ठीक है, और नी जो है वो संवादी है। नी क्या है? वो संवादी स्वर के अंतर्गत आता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, राग बिहाग का वादी स्वर क्या है? ध, नी, प, ग। तो जो यमन का है वादी संवादी, वही बिहाग का भी वादी संवादी है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसमें इसने वादी पूछा है, तो इसका ग आंसर सही होगा, वादी स्वर है ग, संवादी नी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है, ताल रूपक में कितने विभाग हैं? विभाग पूछा है, तो कैसे होता है? ती, 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 ना, एक विभाग, ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना। तो इस तरीके से हो गया 3 विभाग, एक ये वाला, ये दूसरा, ये तीसरा, ती ती ना धी ना धी ना ती, ठीक है, असम पे जाके इसे हम खत्म करेंगे ती, ठीक है। तो ये तो वैसे खाली से उठता है, ठीक है, और ये इसका पहली ताली, ये दूसरी ताली, ठीक है, इस तरीके से होगा, ती ती ना धी ना ती। तो इसका 3 सही आंसर होगा, विभाग 3 होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, राग जौनपुरी का संवादी स्वर क्या है? प, ग, ध या म? जौनपुरी है ना जो राग, जौनपुरी,
जो राग जौनपुरी है उसे आप अच्छे से करना, क्योंकि इससे प्रश्न बनेंगे काफी। तो जौनपुरी का संवादी स्वर बताना है आपको। तो इसका जो वादी स्वर होगा वो होगा ध, कोमल धा, और संवादी स्वर जो होगा वो होता है ग। तो संवादी पूछा है तो ग आंसर इसका सही होगा। ठीक है, जौनपुरी का संवादी स्वर कोमल ग होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, गरबा नृत्य किस राज्य का है? राजस्थान, बिहार, गुजरात, बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। जो गरबा नृत्य है वो गुजरात का है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस ताल में 10 मात्राएं होती हैं? दादरा, झप ताल, रूपक या एक ताल। दादरा में क्या होता है? और झप ताल में, रूपक में और एक ताल में। झपताल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, झपताल में 10 मात्राएं होती हैं। धिन्ना धिन धिन्ना, तिन्ना धिन धिन्ना, धी या धी ना धी, धी ना ती ना धी, धी ना धी। ठीक है, रूपक में क्या होती है? ती ती ना, ती ती ना, धी ना धी ना। और एक ताल में धिन धिन धाकृति के तू ना कत्ता धाकृति के धी ना धिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन राग देश का संवादी स्वर क्या है? म, प, नी, रे। तो इसका सही आंसर है, संवादी पूछा है तो रे प होता है, रे वादी, प संवादी। तो संवादी पूछा है तो बी आंसर इसका जो होगा वो सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, चार ताल में कितने विभाग होते हैं? चार, छह, तीन या आठ। तो ये बिल्कुल एक ताल की तरह सब कुछ बोल बदल जाते हैं, ताली खाली वही रहती है। चार ताल के बोल क्या है? धा धा दिन ता किट, धा दिन ता किट कत गदी गन धा, ये इसके बोल हैं। और इसमें दो दो करके छह विभाग होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, पंडित भजन सो सपोरी कौन सा वाद्य बजाते हैं? संतूर, सरोद, सारंगी या सितार। तो संतूर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस राग में सभी स्वर कोमल लगते हैं? बागेश्री, जौनपुरी, भैरवी या काफी। सारे स्वर कोमल किस में लगते हैं? तो भैरवी में सारे स्वर कोमल लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 30, एक ताल में कुल कितनी तालियां हैं? दो, तीन, चार या पांच एक ताल में। तो धिन धिन धागे तिलके तू ना कत्ता धागे तिलके धी ना धिन, इसके बोल है। तो धिन धिन पे तो पहले पड़ेगा ही, फर्स्ट धिन धिन धागे तिरकिट तू, तू पे पड़ेगा, तू ना कत्ता धागे पे पड़ेगा, धागे तिरकिट धी ना धी पे पड़ेगा, तो चार।
इसमें सही आंसर होगा, चार आंसर्स का सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31। वाद्यों के वर्गीकरण में पखावज किस वर्ग का वाद्य है? घन, अवनध्य, सुषिर या तत्? वाद्यों के वर्गीकरण में पखावज, वो अवनध्य के अंतर्गत आता है पखावज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। संगीत में कुल कितने स्वर हैं? कुल स्वर की यहाँ पे आप बात कर दी गई है, तो कुल स्वर जो होते हैं वो 12 होते हैं। मैंने आपको बताया था कि 7 शुद्ध 5 विकृत, टोटल 12 स्वर होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। राग विहाग का ठाट क्या है? काफी, खमाज, आसावरी या बिलावल? सही आंसर होगा बिलावल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। पंडित कृष्ण राव शंकर किस घराने से हैं? दिल्ली, ग्वालियर, आगरा या जयपुर? शंकर गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना भी इन्होंने की है, और ग्वालियर इनका घराना था। क्वेश्चन नंबर 35 है, रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? 3, 4, 5 या 6? तो विभाग के बारे में मैंने अभी बताया था, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो 3 होते हैं, ठीक है। राग यमन का वादी स्वर क्या है? तो वादी स्वर आपका समवादि पूछा था, तो वादी आपका होगा ग, ग नी होता है इसमें, गवादी नी संवादी। क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें से कौन सा ऋतु गीत है? त्रिवट, ठुमरी, कजरी या भजन? ऋतुकालीन कौन सा है? तो कजली, कजरी जो है वो ऋतुकालीन है। क्वेश्चन नंबर 38, ख्याल के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4 या 5? तो ख्याल दो प्रकार का होता है, बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल, दो प्रकार का ख्याल होता है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 39, किस ताल में 7 मात्राएं होती हैं? झपताल, एकताल, रूपक या कहरवा? 7 मात्रा किस में होती है? तो रूपक में होती है, ठीक है, सी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता कौन है? पंडित सारंगदेव, पंडित लोचन, मुनि नारद या मुनि मतन? तो सारंगदेव इसका सही आंसर होगा, संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन है? पंडित सारंगदेव जी हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन सा राग प्रातकालीन है? यमन, भीमपलासी, केदार या अलैया विलावल? प्रातकालीन इनमें से कौन सा राग है? ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, इनमें प्रातकालीन पूछ लिया गया है, इसका सही आंसर देखो होगा अलैया विलावल, ठीक है, क्योंकि ये दिन में गाया जाता है, अलैया विलावल को दिन का प्रथम प्रहर में गाया जाता है, तो हम इसको ही सही मानेंगे क्योंकि ये दिन का है, ठीक है, बाकी कोई भी दिन का नहीं है, मॉर्निंग का इसमें कोई भी राग नहीं है। जो यमन है आपका, यमन आपका गाया जाता है रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाता है, और आपका जो भीमपलासी है वो दिन का तीसरा प्रहर में गाया जाता है, भीमपलासी तीसरे प्रहर में, दिन में तो गाया जाता है लेकिन तीसरे प्रहर में गाया जाता है, और आपका जो केदार है वो रात्रि का प्रथम प्रहर में गाया जाता है, ठीक है। यमन और ये दोनों तो प्रथम प्रहर में आ गए रात्रि के, तो ये दोनों तो रात के हो गए, और ये दिन के ये दोनों राग हो गए,
लेकिन इन दोनों में पहले कौन सा आ रहा है? अलहिया बिलावल आ रहा है, प्रथम प्रहर में गाया जाता है दिन के, तो इसको हम डी को सही मानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, राग देश की जाति क्या है? औड़व, साड़व, संपूर्ण या औड़व संपूर्ण? राग देश की जाति पूछी है। हाँ, तो इसका जो जाति होगी औड़व संपूर्ण होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, श्रुतियों की संख्या कितनी है? 20, 22, 24 या 26? तो इसका सही आंसर होगा 22 श्रुतियां होती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, राग बिहाग किस जाति का राग है? औड़व, औड़व, औड़व साड़व, औड़व संपूर्ण या साड़व संपूर्ण? ठीक है, राग बिहाग का पूछ दिया गया है। और राग बिहाग का जाति बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, सी आंसर होगा इसका सही, औड़व संपूर्ण। राग बिहाग की जो जाति है वो औड़व संपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सा किसी ठाट का नाम नहीं है? इसमें से कौन सा है जो एक ठाट नहीं है? आसावरी, यमन, काफी, कल्याण? तो देखो, आसावरी ठाट का नाम है, काफी भी ठाट का नाम है, कल्याण भी ठाट का, यमन नहीं है, तो यमन आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, धमार ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 12, 14, 16 या 18? तो 14 मात्राएं होती हैं धमार में। ठीक है, कधी टधी टधा आ गति टती टता आ क, ये इसके बोल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, रागमाल कोश किस ठाट का राग है? कल्याण, मारवा, भैरवी या खमाज? तो ये भैरवी माना जाता है इसको, रागमाल कोश को भैरवी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, निम्न ये भी मैं बताऊंगा एक दिन कि राग माल को उसको वैसे रखना चाहिए था आसावरी में, लेकिन इसे रखा गया है किस ठाट के अंतर्गत? भैरवी के अंतर्गत रखा गया है। इसको भी मैं एक दिन अच्छे से एक्सप्लेन करके आप सबको बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, पंडित निखिल बनर्जी कौन सा वाद्य बजाते हैं? वायलिन, सरोद, सितार या गिटार? निखिल घोष, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सितार बजाते थे पंडित निखिल बनर्जी। ठीक है, तो ये ना दो नाम आता है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, एक है पंडित निखिल बनर्जी, ये सितार बजाते हैं, एक है पंडित निखिल घोष, ये क्या बजाते हैं? तबला। ठीक है, निखिल बनर्जी जो है वो क्या बजाएंगे? सितार बजाते हैं, और जो घोष है निखिल घोष वो तबला बजाते हैं, ये याद रखना, कंफ्यूजन होती है यहाँ पे थोड़ी लोगों को। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 49 पे, उस्ताद फयाज खां किस घराने से संबंधित हैं? ग्वालियर, आगरा, जयपुर या किराना? देखिए, आगरा घराने से हैं फयाज खां। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पे, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां किस घराने से संबंधित है? आगरा, दिल्ली, पटियाला या लखनऊ?
बड़े गुलाम अली जी हैं पटियाला घराने से, पंडित भातखंडे ने कितने ठाटों का वर्णन किया है, 32, 36, 24 या 10? तो 10 आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 52 है, विश्व संगीत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 24 मार्च, 21 जून, 21 मार्च या 22 मार्च? इक्कीस जून को मनाया जाता है, अभी मनाया जाएगा, ठीक है, 21 जून को। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 53 है, नाद की कितनी विशेषताएं होती हैं, 4, 3, 2 या 5? तो तीन आंसर होगा, तीन विशेषता होती है, तारता, तीव्रता और जाति गुण। तीन होती हैं जिसको हम बड़ापन छोटापन भी कहते हैं, नाद का बड़ा होना छोटा होना, नाद का ऊंचा होना नीचा होना और नाद का गुण और जाति, ठीक है, ये इनकी तीन विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाते हैं, तीन ताल की दूसरी ताली किस मात्रा पर पड़ती है, 1, 13, 9 या 5? तीन ताल की दूसरी ताली किस मात्रा पर पड़ती है, देखिए क्या है, धा, दूसरी ताली किस मात्रा, दूसरी पूछिए तो पहली, तो पहले ही पड़ जाएगी, धा धिन धिन धा पहली पड़ गई, फिर धा धिन दूसरी ताली पड़ती है, 1, 2, 3, 4, 5 पे पड़ती है, ठीक है, तो 5 इसका आंसर सही होगा। उस्ताद ये 55 क्वेश्चन है, उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य से है, सरोद, सितार, गिटार या वायलिन? तो सरोद से है अमजद अली खान का संबंध। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाते हैं, तीन ताल में कितने विभाग होते हैं, 2, 5, 4 या 3? तो तीन ताल में कितने विभाग होते हैं, तो 16 मात्राएं होती हैं और विभाग होते हैं इसमें 4, ठीक है, क्योंकि चार चार करके विभाग होते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो आपका इसमें होगा, विभाग पूछा है तो 4 होती है विभाग। क्वेश्चन नंबर 57 है, संगीत रत्नाकर का प्रथम अध्याय क्या है, विवेकाध्याय, प्रबंधाध्याय, स्वराध्याय या तालाध्याय? तो सबसे पहले होता है स्वर, तो स्वराध्याय होगा, ठीक है, स्वर अध्याय होगा। क्वेश्चन नंबर 58, राग माल कोश में वर्जित स्वर क्या है, ध, रे, ग, म, प, नी, रे, प? तो सा के बाद सीधे ग लगता है, ग के बाद म लगता है, उसके बाद ध लगता है, तो सा के बाद जब ग लग रहा है तो बीच में एक स्वर छूट गया, एक रे छूट गया, ठीक है, ग के बाद म लगता है, हाँ, उसके बाद प नहीं लगता, ध लगता है उसके बाद, तो रेप होना चाहिए, तो रेप देखो कहा है, डी आंसर सही है इसका, ठीक है। आपको तरीका भी बता रहा हूँ कि कैसे आपको करना है, ये तरीका भी इसमें मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं। अब देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 59, राग मालकोश की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है, भैरवी, मारवा, तोड़ी या कल्याण? तो भैरवी से हुई है। क्वेश्चन नंबर 60 है,
अभिनेत्री हेमा मालिनी निम्न किस कला से जुड़ी हुई है? गायन, वादन, नृत्य या नाटक? देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि जो हेमा मालिनी है वो नृत्य में कथक भी जानती है ना, वो नृत्य भी जानती है, और नाटक, नाटक वो एक कलाकार है तो वो नाटक भी करती है। लेकिन आप देख सकते हो नाटक को क्या कहते हैं, पता है आपको? मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होना चाहिए सी, नृत्य। नाटक को क्या कहते हैं पता है? ड्रामा। ठीक है, और जो आर्ट होता है ना उसे कहते हैं नाट्य। तो नृत्य होना चाहिए, लेकिन इसमें संशय है कि क्या होना चाहिए, लेकिन इसका अभी हम नाटक ही मानना होगा हमें, क्योंकि वो नाटक से ही फेमस हुई है, तो हम नाट्य ही मानेंगे, नाट्य से ही है वो, और नृत्य तो जानती हैं लेकिन नाट्य से है ना, तो नाट्य से भी जुड़ी हुई है और नृत्य से भी जुड़ी हुई है, लेकिन नाट्य को हम प्राथमिकता पहले देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, ताल की उत्पत्ति कैसे हुई है? ढोलक से, थाप से, तालियों से या मृदंग से? देखो, ढोलक से तो नहीं हुई, मृदंग से भी नहीं हुई, तालियों से भी नहीं हुई, थाप से हुई। जब हम थाप देते हैं ना तभी तो ताल की उत्पत्ति होती है, तो बी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, संगीत में ध का नाम क्या है? ऋषभ, धैवत, मध्यम या पंचम? तो ध धैवत कहते हैं, संगीत में धा का नाम धैवत है। क्वेश्चन नंबर 63 है, राग भीम पलासी किस थाट का राग है? कल्याण, काफी, भैरव या भैरवी? राग भीम पलासी किस थाट का है? तो ये हो जाता है आपका काफी थाट का। क्वेश्चन नंबर 64 है, विकृत स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो विकृत स्वर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका कोमल, एक होता है तीव्र। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं विकृत स्वर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर, ये आपका 65 हो गया। चौताल में दूसरी खाली किस मात्रा पर पड़ती है? नौवीं, चौदहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं? तो दूसरी खाली पूछा है, ठीक है, चौताल में, ये एक ताल की तरह होती है, धा धा दिन, ये पहली हो गई, वन धा धा दिन ता किट धा दिन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे पड़ती है, 7 पे मतलब कि खाली होता है दूसरा, दूसरी पूछिए 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है, किस राग में दोनों मध्यम प्रयुक्त होता है? यमन, बिहाग, देश या भीमपलासी? दोनों मध्यम किस में लगता है? तो बिहाग ही होगा, बिहाग में ही कुशलता पूर्वक दोनों मध्यम का, तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। वैसे बिहाग में भी वर्जित होता है म, तीव्र म वर्जित होता है उसमें भी, लेकिन मतलब कि कुशलता पूर्वक इसमें लगाया जाता है, वरना इसमें तीव्र म बिहाग में अगर हमेशा के लिए कर देंगे तो फिर वो बिलावल ठाट का नहीं होगा, वो कल्याण ठाट का हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखना। तो इसमें कुशलता पूर्वक सिर्फ म लगाया जाता है, म और तीव्र म का प्रयोग इसमें होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, राग खमाज के आरोह में कौन सा स्वर वर्जित है? ग, रे, प या नी? तो सा गा गा मा, कैसा है? सा गा गा मा प धा गा मा, ये होगा ना, तो सा गा, तो रे इसमें है जो वर्जित होगा आपका। ठीक है, रे इसका होगा आपका, रे इसका, रे इसमें वर्जित होगा आरोह।
चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। चार ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, 14, 16, 12 या 10? चार ताल में कितनी होती हैं? चार ताल में 12 मात्रा होती है, एक ताल की तरह होती है, खाली खाली ताली सेम पड़ती है, सिर्फ बोल अलग होते हैं। धा धा दिन ताकिट, धा दिन ताकिट, कद कद दिन धा, तो 12 मात्राएं होती हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 69 है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से था, किराना, जयपुर, ग्वालियर या आगरा? सही आंसर होगा किराना। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 है, एक राग में कम से कम कितने स्वर होनी चाहिए, 8, 5, 6 या 7? सारा थ्योरी में मैंने ये करवा रखा है, जाके देखिए थ्योरी, अगर तैयारी अच्छे से करनी है, बिहार में टीचर बनना है तो जाके देखिए। तो कितने, 5, कम से कम 5 स्वर का होना जरूरी है एक राग को बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका सेक्शन जो 1 था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सेक्शन 1 जो था इसका कंप्लीट हो चुका है, यहीं तक है, 70 प्रश्न है, तो यही था। अगर BPSC जो म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है, इसमें म्यूजिक टीचर के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सारे प्रश्न आप कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और मैं इसी तरीके के इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने लाऊंगा। ये बिहार का क्वेश्चन पेपर था, मैंने आपको बता दिया है स्टार्टिंग में ही, बिहार का क्वेश्चन पेपर था। इस तरह के प्रश्न वहाँ पे पूछे जाते हैं, इस तरह का चीज़ें आती हैं इसमें, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से कर लीजिए, और सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, एक एक थ्योरी बताऊंगा, सारा अटेंड करिए आप, आपकी अच्छे से सारी प्रिपरेशन होगी, यहीं से हो जाएगी, कोई भी पेड क्लास लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोई भी पेड क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं से लेनी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना लेवल नहीं पूछा जाएगा, और अच्छे से तैयारी करोगे तो जरूर होगा। बाकी आज के लिए इतना ही, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बाकी आज के लिए इतना ही, तो अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और प्रिपरेशन के साथ जबरदस्त रहिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।